हेलो गाइस, वेलकम टू देसी टाइम। तो जैसे कि पता है आपको, लास्ट वीडियो में हमने आईफोन 13 की प्राइस रिलीज की थी, जो कि है 38,659, जो कि अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आईफोन 13 लेना चाहिए या 14 या 15। तो अगर आपका बजट आईफोन 16 लेने का नहीं है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए, जैसे कि आईफोन 13, 14, 15, इसमें से आप कौन सा ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देख हमारे साथ बने रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस सेल में अमेजोन और फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डे सेल और द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो कि 26 सितंबर को आने वाला है, तो इस सेल में आईफोन की प्राइस बहुत ही तेजी से गिरने वाले, क्योंकि जैसे आईफोन 16 रिलीज हुआ है, इन सारे फोन की प्राइस गिरने वाली है। तो लास्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, आईफोन 13 की प्राइस 38,500 होने वाली है, आईफोन 14 की प्राइस 50,000 होने वाली है, और आईफोन 15 की प्राइस 60,000 होने वाली है। तो हम बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, उसके क्या फीचर्स है, क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो अब बढ़ते हैं तीनों फोन्स के फीचर्स की तरफ। तो पहले हम बात करते हैं तीनों फोन में IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट का फीचर आता है तीनों फोन में, 14, 13 और 15 में, तीनों में सेम ही है। अब बढ़ते हैं एप्पल के कैमरे के फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेन कैमरा है आईफोन 13 का 12 मेगापिक्सल का है, 14 का भी 12 मेगापिक्सल है, लेकिन 15 का यहाँ 48 मेगापिक्सल है। और ये जो प्राइस होने वाली है, ये सब सारे फ़ोन की प्राइस जो है वो 128GB और 4GB रैम की प्राइस होने वाली है। अब बढ़ते हैं चिपसेट की तरफ। तो आईफोन 13 का जो चिपसेट है, एप्पल का A15 का बायोनिक 5nm का चिपसेट है, और 14 में भी सेम ही है, लेकिन 15 में आपको मिलेगा एप्पल का A16 का चिपसेट, जो कि है 4nm। तो यहाँ पर आपको 15 में थोड़ा अपग्रेड देखने मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं iOS की तरफ। तो यहाँ पर जैसे आप 13 बाई करते हो, तो आपको iOS का जो फीचर है 13 में iOS 15 आपको मिलेगा, और 14 में आपको मिलेगा iOS 16 और 7 और 15 में आपको मिलेगा iOS 17। तो iPhone 13 का जो अपग्रेड है, नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको iPhone iOS का अपग्रेड मिल जाएगा 13 का। iPhone 14 और 15 का अभी तक एप्पल ने बताया नहीं कि कब तक उसका, नेक्स्ट ईयर तक कब तक अपडेट देंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भी ज़रूर बताएं कि उसका अपडेट कब तक आने वाला है। अब बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है iPhone 13 में 802 nits की मैक्स ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, iPhone 14 में आप 804 nits मैक्स ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी, वहीं iPhone 15 में आपको डबल लाइक 1600 की नेट मैक्स ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ब्राइटनेस से कंपैरिजन में देखा जाए तो आईफोन 15 काफ़ी बेटर हो सकता है। अब बढ़ते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे तीनों फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग सेम टू सेम है, 4K अप टू 60fps 13 का है, और सेम ही 14 और 15 का है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तीनों फ़ोन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारे फीचर्स और डिफरेंसेस थे तीनों फ़ोन की तरफ से, आईफोन 13, 14 और 15। तो ये वीडियो में मुझे लगता है कि अगर आप 13 और 14 का प्लान कर रहे हो, तो अगर आप 14 लेना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सेम फीचर्स और काफ़ी कम प्राइस में आपको 13 कंसीडर करना चाहिए, कि 13 की प्राइस 38,500 और 14 की प्राइस 50,000 होगी। तो इस बेटर है कि सारे के सारे फीचर 14 के हमें 13 में देखने मिल जा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको 13 बाई कर लेना चाहिए, और अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप 15 कंसीडर कर सकते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड चाहिए तो आप आईफोन 15 कंसीडर कर सकते हो। तो गाइस, इसी तरह और भी वीडियो के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आईफोन 16 के सीरीज की तरफ, उसके क्या ऑफर चल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इन सारे ऑफर्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी अपडेट्स को जानना चाहते हो, तो आप हमारे देसी टाइम कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और आज ही अपना डिस्कशन क्रिएट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय।